मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम नॉर्थ बाली जा रहे हैं और हम उबुड से अर्ली मॉर्निंग जर्नी स्टार्ट करके पूरा लेम्पुयांग टेंपल के लिए निकल चुके हैं। पूरा लेम्पुयांग टेंपल जो कि नॉर्थ बाली में है, ये टेंपल जो कि अपने आइकॉनिक फोटो के लिए बहुत मशहूर है और यहाँ पर उस गेट से पीछे माउंट एगोंग दिखता है। और ये जब उबुड से या सेमिन्याक कुट्टा से आप जाते हो नॉर्थ बाली के इस टेंपल के लिए, तो आप एक्चुअली बाली का विलेज साइड एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो। एक डेजिग्नेटेड स्टॉप के बाद आपको ये एक छोटी सी वैन वहाँ तक लेके जाती है गेट तक। उसके चार्जेस है एंड उस गेट पे आपको वहाँ का आपका टिकट काउंटर टिकट टोकन परचेस करना होता है एंड फ़ोटो के लिए वो टोकन काम में आता है। एंड एक सारोंग आपको पहनना होता है। सारोंग यानी कि अपने वेस्ट और लेग को कवर करने वाला एक क्लॉथ है। यहाँ पे ये वेलकम हो रहा है। देखो ना कैसी कैसी मान्यताएँ होती हैं। कई मंदिर में आपको वेस्ट और लेग कवर करना होता है, कहीं पे हेड कवर करना होता है। हर किसी के अपने अपने अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। जब तक आपका फ़ोटो टोकन नंबर अनाउंस नहीं किया जा रहा है तब तक लोग अपना फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। एक्चुअली जो साइट ऑफ फ़ोटो है वो ये है। आप 4 to 5 पोजेस प्रिपेयर कर सकते हो। कई लोगों ने तो प्रैक्टिस भी की है। इतना सारा टाइम क्यू में वेट करने के बाद हमें जमकर भूख लगी है, मगर इस वैली वाले होटल में खाना खाने का नज़ारा ही और मज़ा ही कुछ और है। देखो कितना मज़ा आ रहा है हमें। और हमारे नसीब में हमारे डिश में जो था नासी गोरेंग और मेन गोरेंग। आज का हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है तीर्थ गंगा। यहाँ पर भी टेंपल है और यहाँ पे टेंपल के एंट्री पॉइंट पे ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं जिसके साथ आप फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो। एंड अंदर एक टेंपल है, फिश फीडिंग का मज़ा है, काफ़ी ब्यूटीफुल और सीनिक टेंपल है।
उस वाइल्ड एनिमल्स के साथ मज़ा करने के बाद हम टेंपल में आ चुके हैं एंड यहाँ का थोड़ा सीनिक ब्यूटी को हम एंजॉय करेंगे। तीर्थ गंगा के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था तुकड़चेपुंग वाटरफॉल और हम थोड़े लेट हो गए थे। यहाँ पर बाली में हर वाटरफॉल्स या कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पे एंट्री फीस होती है, यहाँ पर भी कुछ एंट्री फीस है, बट हम थोड़े लेट पहुँच चुके हैं, बट फिर भी हमें उस वाटरफॉल पे जाना है। यहाँ पर एंट्री वाला टिकट काउंटर था, हम बहुत खुश हुए हैं कि काउंटर वाला आदमी वहाँ पर नहीं है, सो हमें टिकट बाय करने की ज़रूरत नहीं है और हम ऐसे ही बस वाटरफॉल का मज़ा फोकट में ले लेंगे। बट एक चीज़ है, कोई भी वाटरफॉल यहाँ से बाली के जो भी वाटरफॉल से थोड़े डीप है, मतलब आपको शुरू में थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, स्टीप होते हैं एंड देन वे बैक आपको उसको हाइक करना होता है। लेट अस सी, ये एक दो टूरिस्ट हमें दिख रहे हैं जो वापस आ रहे हैं एंड शॉप्स भी तो क्लोज हो रहे हैं, बट फिर भी हमने हमारा मन बना लिया है, हम उस वाटरफॉल तक जाएंगे और हमें लीड कर रहे हैं कपिल एंड कबीर। बट फाइनली ये इतना डार्क हो रहा था कि हमें हमारा वाटरफॉल का मंसूबा ऐसे ही छोड़ना पड़ा और हम निकल पड़े हमारी बैक जर्नी के लिए। और बहुत थकी हुई हालत में हमने हमारे होटल के बगल का रेस्टोरेंट पकड़ लिया जहां हमने नाइट का डिनर एंजॉय किया। डिनर के बाद वहां के कुछ फल फ्रूट्स और पौधों की जानकारी लेते हुए हमारे ग्रुप के काफ़ी क्यूरियस मेंबर्स और आरुष पता नहीं क्या इंटरेक्ट कर रहा है। इस डिनर के बाद हम चले गए हमारे होटल पे और दूसरे दिन हमें निकलना था कुटा के लिए, सेमिनियाक के लिए हम जाने वाले थे और
नेक्स्ट ब्लॉग्स में आप देखिए कि हमारा कुटा सेमेनिया का टूर कैसा रहा, और जस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग, देखिए नेक्स्ट कमिंग. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started.